नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, मरहूम शहाबुद्दीन की। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब जानते हैं कि भारत में कई सारे इलेक्शन चल रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में इमरान प्रतापगढ़ी तारापुर पहुंचते हैं और वहां की जनता से अपने एक लीडर प्रकाश मिश्रा को वोट देने की अपील करते हैं। इसी दौरान वो आरजेडी की कई खामियों को गिनाते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा की गई कई सारी उपलब्धियों का जिक्र भी करते हैं। आगे अपने भाषण में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि कैसे आप ही का एक सांसद जो कि जेल में हुआ करता था, कोरोना के दौरान उसे सरकारी साजिशों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम वहां नहीं लेना चाहते, लेकिन बाद में वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम को लेते हैं। जब आपके इसी सूबे के एक सांसद जो जेल में हुआ करते थे, जिन्हें कोरोना के दौरान सरकारी साजिशों से मार दिया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, मरहूम शहाबुद्दीन की। वो कहते हैं आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी आपको बड़े मुद्दों में खड़ी हुई नहीं दिखती और वो हमेशा आपको छोटे मुद्दों में उलझाए रहने की साजिश करती आई है। जब जब आपके अहम मुद्दों की बात आई है तो नजर उठा के देखना, तारीख के पुराने पन्ने पलट लेना, अपनी डायरी के पुराने पल्ले पलट लेना, अपने जहन पलट लेना, तो आप ये पाओगे कि जब जब आपके अहम मुद्दे आए हैं तब आपको कहीं नजर नहीं आए। इसी दौरान वो फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब वो जेल में थे और उनकी सांसें टूट रही थी और बिहार की पूरी जनता को ये यकीन था कि आरजेडी उनके और उनके फैमिली के साथ खड़ी होगी, तो उस समय पर आरजेडी का एक भी नेता हॉस्पिटल में नजर नहीं आता। इस दौरान वो अपना जिक्र करते हुए कहते हैं कि आरजेडी के सारे नेता उस वक्त दिल्ली में मौजूद होते हैं, इसके बावजूद भी वहां पे कोई नजर नहीं आता। तो मुझे वो लम्हा भी याद है कि जब पूरा बिहार चाहता था कि कम से कम आखिरी वक्त में टूटती हुई सांसों के बीच में आरजेडी के नेता जाकर के अस्पताल में उनके साथ खड़े हो जाए, मुझे ये कहते हुए हैरत हो रही है और शर्म भी आ रही है। मेरी ये दोनों हाथ गवाह है कि जिस हाथ से मैंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को कब्र में उतारा था, मेरी आंखें खोज रही थी कि काश एक आरजेडी का नेता मुझे नजर आ जाता, लेकिन वहां पर एक भी नेता मौजूद नहीं होता। मुझे जब बताया गया कि ऐसा ऐसा मसला है, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था उस शख्स से, लेकिन वो पहला वही आदमी हूं जो कोरोना के बीच में अस्पताल में जाकर के उनके आखिरी वक्त में भी इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा था। और ये मेरे हाथ इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। ये मेरे हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं उस वक्त इंतजार कर रहा था, मैं पूरे कब्रिस्तान में नजरें घुमा के देख रहा था कि काश आरजेडी का कोई नेता नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। नजर आया हो तो बताओ। ठीक इसी तरह आरजेडी हर बड़े मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर लेती है और वो आपको छोटे मुद्दों में उलझाए रखने की साजिश करती रहती है। ये आपको छोटे छोटे फायदे दे सकते हैं, मोटरसाइकिल थाने में पकड़ ली जाए तो शायद छुड़वा दें, लेकिन जब बड़े मुद्दों की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी मिलेगी। इमरान प्रतापगढ़ी चाहे जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने देश के हर बड़े मुद्दों में अपनी आवाज उठाई है और वो सबसे आगे खड़े रहे हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर किसान प्रोटेस्ट की ही बात क्यों ना हो।